चलिए इसी बीच एक नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हाल पर, जहां मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में मार्च से ही भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया है। इंदौर जिले में भी तेज गर्मी पड़ने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिन में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी। ऐसे में शरीर को भीषण गर्मी से बचाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने लोगों को सलाह दी है। डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक पानी की मात्रा शरीर में भरपूर होना चाहिए। गर्मियों में तरबूज, खरबूजे और साथ ही भरपूर कई सारे जो खाद्य पदार्थ है और पेय पदार्थ है, उसका सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मौसम में परिवर्तन हो चुका है, तापमान में वृद्धि हो चुकी है और ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो या युवक हो, कोई भी आयु वर्ग के लोग हो, आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकले और आवश्यक बाहर ना निकले। गर्मी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सर पर कुछ रख के ही बाहर निकले, टोपी हो, गमछा हो या जो भी हो। तेज धूप में बाहर ना निकलें, समय का ध्यान रखें, ऐसे वक्त पे बाहर निकलें जब तेज़ धूप सर पे डायरेक्ट ना पड़ती हो, यानी कि तेज दोपहर का जो वक्त रहता है उसे बचाएं। बाहर निकलने के पहले शरीर के हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखें। बाहर निकलने के पहले यदि शरीर पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहेगा तो गर्मी का प्रभाव कम रहेगा, यानी कि पानी की भरपूर मात्रा शरीर में होनी चाहिए।